क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ और इस ग्रंथ के आधार से नौवें लंब को आधार बनाकर अज्ञान का स्वरूप यहाँ स्पष्ट किया जा रहा था। वैराग्यमय चर्चा पिछले तीन दिनों से अपनी यहाँ हुई है, पहले भी हुई है। माने सच में ये अत्यंत आश्चर्य ही है कि इतनी सब परिस्थितियों को देखने के बावजूद भी इस जीव को वैराग्य नहीं होता। हृदय की कठोरता ही ऐसी समझनी चाहिए कि सब बातें सुनते समझते हुए भी इसे वो फील नहीं होता, दूसरों को देखता है, औरों को देखता है। टोडरमल जी साहब ने एक ऐसा उदाहरण दिया, उसके स्टोक देश में भी ऐसा उदाहरण है कि एक व्यक्ति जंगल में लगी हुई आग को पेड़ पर चढ़ा हुआ होकर देखता है। पेड़ पर चढ़ गया है और जंगल में लगी है आग और पेड़ पर चढ़ा हुआ दिख रहा है। वो कह रहा है देखो वो हिरण चल गया, वो देखो उधर से वो हाथी कैसे भाग रहा है, और ये देखो पेड़ उसके ऊपर गिरा और वो भी मर गया है जलते हुए। ऊपर पेड़ पर चढ़ाए लेकिन इस बात का विचार नहीं करता कि चंद मिनटों में ये आग मुझ तक भी आएगी और मुझे भी जला देगी, ये विचार नहीं करता। इष्टोप देश का श्लोक है, मूल श्लोक में ये बात कही उन्होंने, माने विचार ही नहीं करता है। आज वो मर गए, आज ये मर गए, आज इनकी दुर्घटना हो गई, आज इनका एक्सीडेंट हो गया, वो देखो बिस्तर पकड़ करके पड़े हैं, वो देखो 25 साल के थे, वो देखो 35 साल के, वो बिस्तर पे पड़े हुए हैं, उनका ये हो गया, इनका ये हो गया। औरों के बारे में बात करता है लेकिन स्वयं के बारे में विचार नहीं करता। ये मोह की ही महिमा है और क्या कहें। अपने आप का स्वरूप नहीं समझ में आता है, शुद्ध बुद्ध नहीं आती है। मोह की महिमा देखो क्या तेरे मन में समाई, तुझे अपनी ही महिमा ने आई, तुझे अपनी ही महिमा ने आई। सबकी महिमा आ रही है, अपने आप की महिमा नहीं आ रही है। औरों को देख रहा है, अपने आप को नहीं देख रहा है। कल जो हमने यहाँ एक श्लोक पढ़ा है इसमें तो आचार्य देव मूर्ख विशेषण से संबोधित करते हैं हमें। नहीं कह रहे हे मूर्खों विचार तो करो। नौवां लंब श्लोक नंबर 13 है, क्या बात कह रहे हैं। नीतिकारों का छंद यहाँ प्रस्तुत किया है। श्लोक कल पढ़ा था हमने, वापस पढ़ लो श्लोक है, क्योंकि वापस ही पढ़ना है ना। प्रतिक्षण विनाशी मायु कायम हो जड़ा, नैव बुद्ध्यामये किंतु कालमेव क्षयात्मकम्। हे मूर्खों, यह आयु और शरीर क्षण क्षण में नाश होने वाला है, किंतु खेद है हम सब नहीं जानते हैं, किंतु समय और काल को ही नष्ट होने वाला समझते हैं। सरल अर्थ में कहा, महान आश्चर्य और खेद की बात है कि आयु और शरीर प्रत्यक्ष रूप से क्षण क्षण में नष्ट होते दिखाई दे रहे हैं। क्षण क्षण में चेहरा काला पड़ गया है, ये क्या हो गया, हाथ कैसे नीले हो गए, ये चेहरा कैसे सफ़ेद हो गया, क्षण क्षण में परिवर्तन दिख रहे हैं हमारे को। ये क्या हो गया, कल तक तो कुछ नहीं था,
या आज अचानक क्या हो गया, या अभी अभी में क्या हो गया, ये पैर कैसे दर्द करने लग गए, ये फोड़ा कैसे हो गया, ये इस तरह का घाव कैसे हो गया, या नील कैसे पड़ गई, ये चोट कैसे कदम कदम पे ऐसा दिख रहा है, क्षण क्षण में नष्ट होने वाले दिखाई देते हैं, फिर भी अविवेकी। और क्या कहें, मूल श्लोक में तो मूर्खों शब्द का प्रयोग किया था, सरल अर्थ करते समय थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर आ गया, थोड़ा सा साहित्यिक शैली में कह रहे हैं अविवेकी। अविवेकी शब्द का शब्दार्थ देखो जरा डिक्शनरी में क्या मिलेगा, मूर्ख मिलेगा, विवेक नहीं होगा ना, उच्चारण में फर्क है, पर्यायवाची है अविवेकी और मूर्ख, लेकिन अविवेकी कहते हैं तो हमें लगता नहीं है, और मूर्ख कहे तो लगता है, क्या कह रहे हमारे मूर्ख के नाम पे झगड़ा करना चालू कर दे, हम कहें अविवेकी है, ठीक है अविवेकी है, तो भाई अविवेकी कह रहे, फिर भी अविवेकी इसे नहीं मानते और काल को ही नश्वर मानते हैं। देखिए विशेषार्थ, विनश्वर मानते हैं काल को ही, आयु कर्म किसी का भी हो वह तो मर्यादित ही होता है, अर्थात शादी शांति रहता है, दुनिया में किसी की भी आयु हो आयु तो खत्म होगी ही होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी की आयु खत्म नहीं हो, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि आयु लेकर के आया है इसका मतलब वो क्या कहेंगे, डब्बा पैक है वो, और वो खुला है तो खत्म होगा ही होगा, हर क्षण आयु खत्म होती जा रही है। एक समय भी हम यहाँ आए थे मंदिर में, उस समय जितनी आयु की स्थिति थी, जब यहाँ से मंदिर से निकलते हैं तो एक घंटा कम हो जाती है, एक घंटा बैलेंस में कम हो गया, अब कितने रन बना रहे हो आपके ऊपर है, यहाँ बैठे बैठे भी रन बना रहे हो कि बॉल पास हो रही है, बोलो उपयोग इधर उधर चला जाए तो समझ लेना ये क्या हुआ, बच गया, उपयोग संभाल, कहाँ जा रहा है मेरा उपयोग, घर में चले जाता है, बिजनेस में चले जाता है, काम में चले जाता है, घड़ी की तरफ चले जाता है, आने जाने वालों की तरफ चले जाता है, उपयोग कितना चंचल है, मन की गति को कितना फास्ट कहा गया है, ये मन कितना फास्ट दौड़ता है, दौड़ करके चला जाता है कहीं भी, इधर उधर चला गया, आयोजन में चला गया, लौट करके फिर आ गया, संभलो संभलो संभालो अपने उपयोग को संभालो, ये कह रहे हैं यहाँ भाई साहब, आयु कर्म तो मर्यादित ही होता है, आयु कर्म की मर्यादा है, लिमिट है उसकी, और कितनी लिमिट है, भले ही सर्वार्थ सिद्धि के देवों और सातवें नरक के नारकियों की आयु 33,000 अर्थात असंख्यात वर्ष की होती है, फिर भी बोलो 33,000 की आयु है, माने असंख्यात वर्षों की आयु है, एक सागर में असंख्यात वर्ष होते हैं, बहुत लंबा काल है, फिर भी एक दिन आयु समाप्त हो ही जाती है, किसी का आयु कर्म अनादि अनंत तो होता ही नहीं है, इस जगत में जो आए हैं उन्हें जाना ही है, अमर होकर के कोई नहीं आया है, जम किंच भी उत्पन्नम तस् विनाशो हवे ही नियमेण, कार्तिकीय अनुपरीक्षा की गाथा है, जो कुछ भी उत्पन्न होता है, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण नियम से होगा, जिसका मरण हुआ है उसका जन्म नियम से होगा, जन्म वाले का मरण तो कदाचित ना हो, निर्वाण चला जाए तो उसे मरण नहीं देंगे, जन्म तो हुआ है लेकिन निर्वाण हो गया, लेकिन मरण जिसका होगा उसका जन्म तो नियम से होगा, आयु कर्म जो लेकर के आया है उसकी आयु कर्म तो पूरा होगा ही होगा, ऐसा होता नहीं है कि आयु तो थी और पूरी नहीं हुई, सब पूरी नहीं हुई, सब के लिए कोई समर्थ नहीं है, समयो एक बड़े नहीं घटती, एक समय के लिए बढ़ाया नहीं जा सकता है आयु को, कह दो आप यमराज को रोक दो उसको, ऐसे कोई यमराज होते नहीं है, रोक दिया हमने, भाई साहब क्या लेगा तू बोल, तेरे पास है क्या, और तेरे पास भी रहेगा नहीं, तेरा है क्या जो तू मुझे रिश्वत देने की कहता है,
है क्या तेरे पास में बता कि साहब ये सारी संपत्ति है ना मेरे पास में कि मैं ले चल रहा हूँ, है क्या तेरे पास में? तो तू जो कह रहा है कि 2-5 करोड़ में किसी को खरीद लेंगे हम, तेरा है क्या जिससे तू खरीदने की बात सोचता है? एक समय मात्र के लिए भी जीवन पूरा होने का काल आ जाए तो बढ़ाया नहीं जा सकता है, रोका नहीं जा सकता है। समय सीमित है हमारे पास में, प्रति क्षण टाइम कम होता चला जा रहा है। कल कही थी मृत्यु नजदीक आती चली जा रही है। कई 3-4 लोगों के मैसेज आए कल मेरे पास में, आज का प्रवचन तो हिला दिया आपने, ऐसा ऐसा था। लोगों ने नहीं सुनी होगी बात इस तरह की, मैंने हम क्या कहे, बात ऐसी है ना, ये तो कह रहे हैं ना आचार्य देव, मूर्ख कह करके पुकार रहे हैं, बोलो हमने किया क्या, क्या कर रहे हैं हम? हर क्षण प्रतिपल प्रतिपल जीवन बीता जाता है और बीता कल नहीं वापस आता है। फिर भी तू समझे ना, क्या करें? उनका पंडित राजेंद्र कुमार जी साहब का भजन है ऐसा, राजेंद्र कुमार जी का भजन है ऐसा, पल पल जीवन घटता जाता है, बीता कल नहीं वापस आता है, फिर भी तू समझे ना, फिर भी तू चेते ना, दुर्लभ है ये। अभी समझ में, मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, ये तो समझता नहीं, समझ नहीं रहा है, क्या करें। 33 सागर की आयु, अब तो मजा आ गया, बोलो कितनी आयु कर दें आपकी, फिर तो मजा आ जाएगा, और जी लूं और जी लूं और जी लूं, खत्म ही नहीं हो कभी, अनंत तो नहीं हो सकता है, अंत तो आएगा, अब फिर क्या होगा, फिर जन्म। अरे 33 सागर की आयु अनंत बार होगी है नरकों में जाकर। सर्वार्थ सिद्धि के देव तो एक भवावतारी होते हैं, लेकिन नरक में जाकर 33 सागर की आयु अनंत बार होगी है। और अनंत बार ऐसा विचार किया है, हे भगवान एक बार निकल जाऊं यहां से, दोबारा नहीं आना पड़े, ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मुझे दोबारा यहां जन्म लेना पड़े। लेकिन निकलने के याद नहीं आती इसको, वो नरक की परिस्थितियां याद आ जाए तो क्या मजा, जिससे गलत काम हो जाए, भूल जाता है उसे, याद नहीं रहता है उसे, एक्सीडेंट हो जाए ना इसका, बड़ा एक्सीडेंट हो गया तेज चलाने के चक्कर में, और फिर क्या हुआ, ये फिर भूल जाता है, 2-5 साल निकल गए ना, फिर भूल गया, फिर उसी दिन में, अब तो सही, अब थोड़ी ना होगा, फिर हो जाता है, विचार याद नहीं आती इसको, तो पिक्चर खींच के लगाना चाहिए, आईने के बगल में लगा करके रखो उन दृश्यों को, दुर्घटना हो जाए, बिस्तरों में पड़ा हो, बीमार हो, उठा नहीं जा रहा हो, बुखार हो गया हो, तबीयत खराब हो गई हो, ऐसी कोई परिस्थिति बनी हो, तो फैमिली वालों को कहो फोटो खींचो हमारी एक बार, वीडियो बना करके रख, फोटो खींच करके आईने के बगल में लगा करके रख, रोजाना याद कर उसको कि देख ये हालत हो गई थी मेरी, याद नहीं, कभी टाइफाइड हो गया है, कभी कुछ हो गया है, ये तो होते ही है ना ऐसी तकलीफें, कभी कभी ऐसा होता ही है ना कि 3 दिन तक बिस्तरों से नहीं उठे, बुखार इतना तेज था कि चादर ओढ़ करके सोते रहे, उठ नहीं पाए, ऐसी हालत होती है ना। अभी क्यों नहीं है आपको वो बात याद, स्वस्थ भूल गए, खत्म हो गई बात, अब थोड़ी ना याद करेंगे हम उस बात को, अरे मजे से चल रही है, सुन वो अभी अभी बुखार हो सकता है तेरे, अभी तबीयत बिगड़ सकती है तेरी, अभी बिस्तर पकड़ करके लेट सकता है 3 दिन के लिए, उठे नहीं 5 दिन के लिए, हो सकता है अभी भी ऐसा, वो दृश्य आंखों के सामने घूमने चाहिए। ये सब वैराग्य के लिए फॉर्मूले है, ये जैसा दैनिक भास्कर वालों ने किया ना, मैंने बतलाया था, वो लगाई वो गाड़ी कि ऐसी पिक्चर खींचकर अपने गाड़ी के डैशबोर्ड पर चिपका करके रखो, अब गाड़ी तेज नहीं चला सकते आप, वो दिखेगी आपको, वो याद रहनी चाहिए। हमने देवलाली से आ रहे थे बॉम्बे, बॉम्बे से फ्लाइट थी, जाते रहते देवलाली, सो 2-3 साल पुरानी घटना होगी, रास्ते में हमने एक एक्सीडेंट देखा और एक गाड़ी को टकराकर आग से ऐसे लपते उठते हुए देखा, ऐसा
हम दूर थे थोड़ा, सामने की साइड से, उस साइड से रोड पर दूसरी गाड़ी आ रही थी, इधर से हम चल रहे थे, तो हमने देखा दूर एकदम धमाका होकर के आग जल गई। पास में से उधर से गुजरे एक गाड़ी थी फोर व्हीलर, तो आग लग गई थी उसमें और टकरा गई, एक्सीडेंट हो गया था। मैंने कहा भैया धीरे चला। क्या क्या हुआ? धीरे चलो। अब तो कितना एकदम दिमाग में वैरागी जैसा लगने लगा कि यार क्या रखा है, मिलेगी तो मिलेगी लाइट, छूटेगी तो छूटेगी, क्या जो होना है तो होना है। अपने दो मिनट लगती है भाई साहब, देखो ड्राइवर भी कहने लग गया, हम भी बात करने लग गए, चर्चा होने लग गई इस तरह की, फिर क्या हुआ थोड़ी देर बाद में? जब तक वो दृश्य दिमाग में है तब तक तो आपकी स्पीड पे कंट्रोल रहता है, और जब वो दृश्य दिमाग से निकल गया फिर खत्म, बस अब क्या है, गई बात। ये कह रहे हैं पिक्चर दिमाग में रहे वो आपके, वो आपको प्रेरित करेगी, आपको प्रेरणा मिलेगी, 24 घंटे आपको प्रेरणा मिलनी चाहिए। ये जीवन जा रहा है, ये जीवन खराब बर्बाद हो रहा है। जब टीवी की स्क्रीन के सामने बैठो तो आपको लगना चाहिए कि ये जीवन बर्बाद जा रहा है, एक एक पल खत्म हो रहा है मेरा, मैं कर क्या रहा हूं। मैं सुबह से शाम तक रोजाना, सब लोग कहते हैं, अच्छे अच्छे लोग जितने भी अच्छे स्पीकर होंगे वो सब इस तरह की बात कहते हैं, जैन की बात नहीं कह रहा, जैन भी कहते हैं रोजाना रात को सोते समय कैलकुलेशन करो अपने दिन भर का, क्या खोया क्या पाया, क्या अच्छा किया क्या बुरा किया। रोजाना सोते समय 5 मिनट कम से कम बेड पर जाने से पहले चिंतन करो, आपको आज मैंने क्या किया, आज कितने रन बने, ये यहाँ आने के बाद नहीं, ये रात को सोते समय विचार करो आज रन कितने बने, आज ओवर की ये बॉल मेरी खाली तो नीचे ले गई है, आज क्या किया मैंने, आज मैंने उसके ऊपर गुस्सा किया था, आज मैं उसके ऊपर बिगड़ गया था, आज उसके साथ ऐसा कर दिया था मैंने, आज ऐसा हुआ था, ये विचार करो। ये विचार नहीं करता है, बस कर विचार तो पाम, ऐसा श्रीमद राजचंद जी कहते हैं। ये याद दिलाने के लिए है, याद दिलाने के लिए है, काम ये याद आए तो काम करने के लिए प्रेरणा बने। काम तो अभी हुआ थोड़ी ना, याद आने का नाम थोड़ी ना काम हो गया, काम तो इसके बाद होना है, स्टेप तो इसके बाद उठाया जाना है, लेकिन ये याद नहीं रहता है इसलिए कदम नहीं बढ़ते। क्या करें, मूर्ख कहकर के पुकारे, नहीं नहीं उनको पहुंचाया है, अरे देखो उसका 22 साल का बेटा था, उसको हम शमशान पहुंचा करके आए, पूरे रास्ते पर चर्चा करते हुए चलेंगे, सब लोग बातें करेंगे, अरे यार जीवन बहुत कठिन है, दुर्लभ है, ये है वो है, सब सब बातें, उसको पहुंचाया है, मुझे भी जाना है कि नहीं है? मैंने कही थी शायद एक दिन यहाँ कही थी, क्या बात, कहाँ कही मैंने, न्यूज़पेपर में जो कटिंग आती है ना, यहीं कही थी क्या? कभी कभी वो न्यूज़पेपर पर जो टीए की बैठक वाला जो पेज आता है ना, उस पेज के ऊपर अपनी फोटो काट के चिपकाओ वहाँ, देखो उसे कैसा लगता है, या नहीं कही गया? दो तीन जगह कही है मैंने, बाहर कही, अपनी फोटो लगाओ वहाँ और फिर देखो कैसा लग रहा है। क्या कल सुबह 9 बजे भटारी रशिया में संजीव कुमार को टीए की बैठक है, ये कैसा लग रहा है, बोलो आप पढ़ो उसको, छपेगी ना अपनी फोटो, तुझे बहुत शौक है ना अपनी फोटो छपवाने का, छपेगी तेरी फोटो, छपेगी चिंता मत कर, तू नहीं देखेगा बस। क्या क्या दम है भाई साहब, क्या दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, कौन सी जगह थे, हाँ औरों को देखता है, देखने वाले को देखता है, ये मुंह की महिमा है, अपनी ही महिमा ने आई, सागरों की आयु बीत जाती है, ये वर्षों की आयु नहीं बीतेगी, 100 साल की आयु लेकर के आया पूरी नहीं होगी, 80 साल 95 साल की 90 साल की आयु लेकर के आया पूरी नहीं होगी, इस पंचम काल में 120 वर्ष उत्कृष्ट आयु कही आचार्यों ने, मैक्सिमम है एज 120 वर्ष की, उससे ज़्यादा तो नहीं जिएगा ना, विकेट तो कभी भी बीच में उड़ सकता है, मैक्सिमम 120 वर्ष है ना, मान लो आप एक डेडलाइन खींच लो। एसपी वारिल कहते हैं ऐसा, अपने सेमिनार लेते हैं ना, तो वो ये कहते हैं मैंने नक्की कर रखी कि इतने साल तक जीऊंगा, और जब बर्थडे आती है तो सोचता हूँ यार अब एक और कम रह गया, अब एक और कम रह गया, बोले नया मकान बनाने की सोची, वो बोलते हैं ऐसा कि नया मकान बनाने की सोची, बोले कितने समय के लिए, अब तो 20 ही साल तो बचे हैं जिंदगी के, 21 साल ही तो बचे हैं, 19 साल ही तो बचे हैं, इतने से टाइम के लिए,
आप अपने डेडलाइन डाल दो, इतनी उम्र में मेरी डेथ होनी है, अब टाइम कैलकुलेट करते रहो क्या हर दिन, इसमें से एक दिन और कम हो गया, इसमें एक महीना और कम हो गया, इसमें एक वर्ष और कम हो गया, कम होता जा रहा है ना। ये बता रहे हैं 33 सागर की आयु भी पूरी हो जाती है, और यदि पूरी नहीं हुई होती तो हम यहां कैसे बैठे हुए हैं। इसका मतलब पूरी तो करके आए है ना, नरक में भी पूरी करके आए, स्वर्गों में चले गए तो 31 सागर तक की आयु को भोगा है, नौवे ग्रहवेक तक गया है। 31 सागर की आयु है नौवे ग्रहवेक में। अनुदिश और अनुत्तर में जाने वाले भावलिंगी संत होते हैं, अल्पकाल में मोक्षगामी होते हैं, वो अवस्था तो रही नहीं, नियम से सम्यक दृष्टि होते हैं वो तो, और वे सम्यक दृष्टि मर करके यहाँ पंचम काल में जन्म लेते नहीं, ये पूरी कर दी यहाँ आयु। किसी का आयु कर्म अनादि अनंत तो होता ही नहीं है, लेकिन इस बात का विचार करना अपने मन में कि आयु तो पूरी हो जाएगी, लेकिन आयु पूरी होने के साथ मैं कभी पूरा नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं ये आयु वाला नहीं हूं, आयु कर्म से नष्ट हो जाए वो मेरा स्वरूप नहीं है। जैन साहब, आयु कर्म के बीत जाने पर भी जो ना बीते मैं वो हूं, आयु कर्म के बीत जाने पर भी जो परमानेंट बना रहे वो मैं हूं, मुझे जाना है कहीं और, इन सब संयोगों को छोड़कर ये परिस्थितियां बदल जाएगी, ये संयोग बदल जाएंगे, ये देह यहीं छूट जाएगी जिसके दिन रात पीछे पड़ा रहता हूं, और नया शरीर, नए संयोग, नया परिवार, नए लोग, नई परिस्थितियां, सब कुछ नया हो जाएगा। जीवन भर एक एक पाई पाई करके जोड़ता रहा और एक समय ऐसा आया कि सब झटके से चला गया, तो सब बदल गया, पूरा ही बदल गया एक साथ। यहां तो ट्रांसफर होता है तो ये विचार करता है यार ये क्या बोलो, ट्रांसफर रुकवा दो ना, अप्रोच लगाने की कोशिश करता है, मिनिस्टरों से लगाने की कोशिश करता है, सिफारिश करता है, ट्रांसफर नहीं हो जाए, ट्रांसफर नहीं हो जाए। अरे ट्रांसफर होगा, यहां यदि रेड पड़ जाए ना, इनकम टैक्स वाले आ जाए और सब चीज सीज कर दे रहे, तो भी जांच चल रही है, सब कुछ चल रहा है, उसके बावजूद भी, सब पे लॉक लगा देने के बावजूद भी आपके लिए इतनी व्यवस्था तो रखते हैं कि आपका जीवन यहाँ पर चल सके। बोलो, आटा थोड़ी ना ले जाएंगे, गैस थोड़ी ना ले जाएंगे, रोटी सब्जी तो खाओगे आप, घूम फिर भी सकते हो, जा भी सकते हो, अभी चल रहा है सब, उन्होंने सीज किया हुआ है तो सारा करना पड़ेगा आपको, अपने को सारा उसका हिसाब किताब सब देना पड़ेगा जो कुछ भी है। अभी तो वो सब करके ले गए, सबको सीज करके चले गए, ठीक है ना, अभी अभी आपके पास में है ना, आप कहते हो सब कुछ लूट लिया, सब कुछ लूट लिया, कैसे लुटेरे आए, सब लूट करके ले गए। ये सुनो, क्या लूट करके ले गए, एक लुटेरा ऐसा और आएगा तो कुछ भी नहीं छोड़ेगा क्या, वो सब ले जाएगा, वो लुटेरा ऐसा आएगा कि न पत्नी रहेगी, न बच्चे रहेंगे, न परिवार रहेगा, न तन पे कपड़े रहेंगे। अरे तन पे कपड़े तो छोड़ो, तन नहीं रहेगा क्या, वो सब कुछ लूट करके ले जाएगा। तुम्हें उसका विचार नहीं है तो इसका तो विचार करता है, अरे घर में डाका डाल दिया साहब, लुटेरे लूट करके ले गए, खत्म हो गया। क्या लूट करके ले गए, तेरा तेरा था क्या जिसे लूट करके ले गए, अपना सो जावे नहीं और जावे सो अपना नहीं, अपनी संपत्ति कभी लुटती नहीं है दीपेश जी, और जो लुट जाती है सच्चाई है जो अपनी थी नहीं, हाँ चोरी का माल चोरी होती है, जिस पर तूने जबरदस्ती अधिकार जमा रखा था उसकी चोरी होती है। सागरों की आयु पूरी हो गई, वर्षों की आयु पूरी हो गई, पर ऐसे ही पूरी हो जाती है भैया जैसे अपनी अभी हो गई है ना 30, 40, 45, 50 साल, ये कैसे पूरी हो गई बताओ, क्या किया आपने अपने 40 साल की जिंदगी में, 45 साल की जिंदगी, बोलो साहब निहार सिंह साहब, अपनी अपनी हो गई ना 65-70 की पूरी हो गई ना, अब ये इतनी में अपन ने क्या किया, पलक झपकती निकल गई अपनी जिंदगी, बोलो पिताजी क्या कैसे निकल गई, 77 चल रहा है, बोलो 77 कैसे कैसे निकल गया, इतना जीवन कैसे निकल गया, अब कितना बचा है क्या पता है, ऐसे ऐसे निकल जाता है पूरा,
पलक झपकते ही इतने बड़े हो गए, इतनी ज़िंदगी बीत गई, पता ही नहीं लगता है यार कैसे इतने बड़े हो गए। हमने तो सोचा भी नहीं था ऐसे 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 बड़े हो जाएंगे, अपन भी बड़े हो जाएंगे, शादी हो गई, बच्चे हो गए, परिवार हो गया, काम धाम, रिटायर्ड हो गए। जैन साहब रिटायरमेंट ले लिया, हमने तो सोचा भी नहीं था हमारी वैसे ये ख़त्म हो रही है, ये आयु समाप्त हो जाती है। किसी का भी आयु कर्म अनादि अनंत नहीं है, कि कोई भी यहाँ परमानेंट होकर के नहीं आया है। याद करो वो पंक्तियाँ कौन सी मंगतराज जी की, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम लक्ष्मण जिन रावण मारा। बोलो कहाँ कृष्ण रुक्मणि सतभामा अरु संपत्ति सगरी, कहाँ गए वे रंग महल अरु सुवर्ण की नगरी, नहीं रहे वे लोभी कौरव जूझे मरे रण में, गए राज तज पांडव वन ने अग्नि लगी तन में, मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को, हो दयालु उपदेश करे गुरु बारह बावन को। बोलो अभी शुरू नहीं किए, अनित्य भावना नहीं है अभी, तो अगले शब्द में आई है अनित्य भावना, अभी तो स्वरूप चित्रण कर दिया। तू मोह की नींद में सो रहा है, तू जाग तो सही। सारे दुनिया की माँ माए लोरी गागा कर बच्चों को सुलाने का काम करती है, और हमारी जिनवाणी माँ ये जगाने का काम करती है, पुकार पुकार करके जगाने का काम कर रही। सारी दुनिया की माएँ कहती है बेटा सो जा सो जा सो जा, सुलाने का काम कर रही। ये माँ क्या काम कर रही है, वो ये तो कह रही है कि क्या सुलाएं तुझे, तू तो सोया ही है मोह की नींद में। मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, तो कर्ण चोर चहुं और सर्वस लूटे, लुट रहा है सब कुछ, इसे सुध नहीं है। कछु सुध बुध नाही रही है, मिथ्या मति छाए रही है। क्या हो गया है, कुछ सुध बुध नहीं है, कुछ होश नहीं है, कुछ विचार नहीं है, कुछ विवेक नहीं है, कुछ होश नहीं है। क्या कर रहे हैं, काम मजे मान रहा है, काम मौज मस्ती में दौड़ा भागे चला जा रहा है, कुछ होश नहीं है इसको। और फिर वो हमने आत्मानुशासन पढ़ते समय एक बात कही थी, एकदम किसी मोड़ पर जाकर के ये डीजल और पेट्रोल धक 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 करके और झटके से खत्म हो जाता है। रिजर्व का सिस्टम नहीं है क्या ढोलिया जी साहब, अपने अपने इस मनुष्य गति रूपी गाड़ी में इसमें रिजर्व सिस्टम नहीं है। अब वो आपका आ गया होगा पता नहीं, हमें तो लगता नहीं है, लेकिन रिजर्व सिस्टम है ही नहीं। गाड़ी चला रहे हैं और रिजर्व में चल रही है, मान लो अब रिजर्व में चल रही है, और अभी तो चलेगी यार, अभी तो चलेगी, और चल और चल, दौड़ाया जा रहा है दौड़ाया जा रहा है, फिर क्या होगा भाई साहब, अचानक किसी गली मोहल्ले रास्ते सड़क पर आकर के एकदम झटके से क्या होगा, झटके से एकदम जाकर के बंद हो गई, ये क्या हो गया और ये क्या हो गया। पहले ही कह रहे थे रिजर्व में चल रही है गाड़ी, ये मनुष्य जीवन में आयु कर्म रूपी, ये कह रहे हैं ना खत्म होता है, ये आयु कर्म रूपी डीजल और पेट्रोल प्रति क्षण खत्म होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। अब कौन से मोड़ पर आकर आप मंदिर में रहेंगे कि सब्जी मंडी में रहेंगे, घर में रहेंगे कि बाजार में रहेंगे, दुकान पर बैठे होंगे, पता नहीं कौन से मोड़ पर आकर एकदम झटके से ये पूरा का पूरा जो पेट्रोल था, जो आयु कर्म जो स्टोर था, वो सब खत्म। लो अब क्या करें, बोलो क्या करें, ये बता रहे हैं यहाँ पे, ये बतला रहे हैं। छोड़िए इसकी तो व्याख्या भी बहुत लंबी है, विशेषार्थ भी भर के तो लाए। जब गाड़ी चलाना शुरू किया उससे पहले पेट्रोल भरा था, टंकी फुल कराई थी,
टंकी फुल नहीं, वो अब फुल मतलब क्या, जो कैपेसिटी जितनी कैपेसिटी उतना लेकर के आया है, है ना। कोई 80 वर्ष का लाया है, कोई 45 वर्ष का, कोई 15 वर्ष का लाया है, कोई 35 वर्ष का, जो जितना लेकर के आया है, जिसने जितना पैसा दिया उसने उतना पेट्रोल भराया, ठीक है ना। अब जिसने जितना पुण्य रूपी पैसा दिया, पुण्य खर्च किया, वो मनुष्य जीवन में उतना पेट्रोल लेकर के आया, बराबर। अब क्या करें, बोले बस अब चलाए जा, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखना खत्म होने के पहले पहले संभल जाना। क्या यदि तू नहीं संभला तो अचानक, अचानक कुछ नहीं होता है, अचानक क्या हुआ बतलाओ, अचानक मर गए साहब, अचानक आयु पूरी हो गई साहब, एकदम लटके, अरे अचानक कुछ नहीं होता है, हर पल खत्म हो रहा है, फिर तू कह रहा है अचानक, घर में लड्डू अचानक खत्म होते हैं क्या, रोज खाता है तो खत्म होते हैं, रोजाना एक एक लड्डू खाए जा रहा है, फिर अचानक खत्म हो गए, डब्बे में से कम होते जा रहे हैं ना, ये डब्बे में से कम होता जा रहा है ना आयु कर्म, हर पल तो खत्म हो रहा है, तो कह रहा है नहीं नहीं ये क्या हो गया, अचानक खत्म हो गया, अरे उसकी उम्र ही क्या थी बेचारे की, अभी से मर गए, अरे कल तो आए थे, अरे कल तो मिले थे, अरे अभी 2 घंटे पहले तो मिले थे, अभी कभी क्या हो गया, अचानक क्या हो गया, बस ऐसे बातें बनाता रहे, एक दिन तेरे बारे में भी लोग इसी तरह की बातें बनाएंगे, अचानक क्या हो गया, बनेगी ऐसी सब बातें, बनती है, ये शिक्षा दे रहे हैं यहाँ, सुनो। मनुष्य और त्रियंचियों की आयु को, आगे पढ़ रहा हूँ, मनुष्य और त्रियंचियों की आयु को तो हम यहाँ प्रत्यक्ष नष्ट होता हुआ देखते हैं, साफ दिख रहा है हमारे को, हाईवे पर कितने पशु मरे हुए दिखाई देते हैं हमारे को, कितने कुत्ते बिल्ली ऐसे मरे हुए लाशें पड़ी हुई दिखाई देती है जब भी जाते हैं, फिर भी अज्ञानी मनुष्य अपने को शाश्वत मानते हैं, मरो मैं तो अमर, मैं थोड़ी ना मरूंगा, अरे देखना, और प्लानिंग करता है बरसों की, आगे की प्लानिंग, क्या पिताजी कितने साल की जाए एफडी, क्या 2-3 दिन पहले चल रही थी बात, कुछ बेटा 5 साल की करा लेता हूँ, करा लो 5 साल की करा लो, आपके जैसे जितनी कराओ, आगे आगे तक की प्लानिंग, ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे फिर ऐसा होगा, बुढ़ापे में ऐसा होगा, अंत समय में ऐसा करेंगे, हैं ऐसे रिटायरमेंट ले लूँगा, इतना पैसा वहाँ से आ जाएगा, इतना इंश्योरेंस का पैसा आ जाएगा, इसका इतना आ जाएगा, इतना वहाँ से आ जाएगा, प्लानिंग बनाता रहता है, योजनाएं बनाता रहता है आगे की, और फिर सारी की सारी प्लानिंग फेल हो जाती है, सब डरी रहती है, सबके दिमाग में प्लानिंग है अपने फ्यूचर को लेकर के, सबके दिमाग में प्लानिंग है फ्यूचर को लेकर के, लेकिन अपने दिल पर हाथ रख करके पूछना जिस फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो, फ्यूचर यही इसी जन्म का है कि आगे का भी फ्यूचर है, आज जिस फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं दीपेश जी, वो फ्यूचर कितना आगे तक का है, 25-30 साल आगे तक का, 40 साल आगे तक का फ्यूचर, या उसके बाद, उसके बाद क्या है, वो भी तो फ्यूचर है ना, उसके बाद फ्यूचर नहीं होगा, 40 साल के बाद वाला, 100 साल के बाद वाला फ्यूचर नहीं होगा भाई साहब गांधी जी, बोलो 40 साल के बाद वाला भी तो फ्यूचर होगा ना, उस फ्यूचर के बारे में आपने क्या प्लानिंग की, उस फ्यूचर के बारे में आपकी क्या तैयारी है, उसके बारे में क्या सोचा आपने, ये कुछ नहीं सोचा, इसी के बारे में सोचता है, उस फ्यूचर की प्लानिंग करने के लिए सोच रहा है, जिसके बारे में अभी पिछले छंद में आपने बात पढ़ी थी, ये वृद्धावस्था का स्वरूप, उस फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा है, जब मुंह में दांत नहीं होंगे और पेट में आंत नहीं होंगी, आंतें होगी तो काम नहीं करेंगी, उस फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा है, उस अवस्था के लिए जोड़े जा रहे हैं, क्या ये चने खाई के लिए, जब जब दांत नहीं होंगे तब के लिए इकट्ठे किए जा रहा है, इकट्ठे किए जा रहा है, उस समय बुढ़ापे के लिए, बुढ़ापे के लिए करना, बुढ़ापे के लिए करना पड़ेगा साहब, क्या करें, बुढ़ापा आएगा, एक बात तो ये कह रहे हैं, आयु कर्म रूपी पेट्रोल खत्म हो गया तो बुढ़ापा आएगा ही नहीं, और आ गया तो ऐसा होगा जिसमें ये पैसा काम नहीं आएगा, घाट पे पड़ा रहेगा, क्या काम आएगा पैसा, हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, मनुष्य गति में लोग प्राण गंवाते हुए स्पष्ट दिख रहे हैं, त्रियंची गति में प्राण गंवाते हुए स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, लोग मरते हुए स्पष्ट दिख रहे हैं, कल मैंने भूकंप की बात की थी ना, यहाँ से जाने के बाद में न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर देखा जयपुर में भी भूकंप के झटके लगे, जब यहाँ से गए ना, उन्होंने कहा मैं तो भूकंप की बात कर रहा था, और ये देखो कल ही की बात है,
जयपुर में भूकंप के झटके, पाकिस्तान में 26 मरे हैं जयपुर से भूकंप के झटके, थोड़ा सा तेज आ जाए तो खत्म है कहानी, बस और क्या है। इन्हें साहब हमारे कौन सा कैंसर हो गया, हमारे कौन से हार्ट की प्रॉब्लम है, हमारे कौन सी किडनी की प्रॉब्लम है, हम थोड़ी ना, हमें अभी तो हमारे को जीना है परसों। यहाँ कहाँ आसपास में कोई नदी तो दिखती नहीं है, यहाँ कौन सी बाढ़ आएगी, 81 में बाढ़ जयपुर ही तो आई थी। ये देखो ऐसी होनी चाहिए व्यवस्था, एक आओ तो आओ, हमारी तैयारी है। आपकी तैयारी है तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो उनसे बात कर रहा हूँ जिनकी तैयारी नहीं है, मैं तो उनसे बात कर रहा हूँ जो आज तो तैयारी की बात कर रहे हैं फिर बाद में भूल जाते, तो उनसे बात कर रहा हूँ। ये आचार्य देव बार बार में कह रहे हैं यहाँ, प्रत्यक्ष नष्ट होता हुआ देखता है, अज्ञानी मनुष्य अपने को तो शाश्वत मानता है, ये देख कर ज्ञानियों को आश्चर्य और खेद होता है। ओ खेद होता है यार, ये देखो यार मूर्ख, इसको अकल ही नहीं, इसके भाई साहब मर गए फिर भी इसको अकल नहीं आई, इसका जवान बेटा मर गया फिर भी इसको अकल नहीं आई है, ये आचार्य देवों को देख करके ऐसा खेद होता है, वे आश्चर्य कर रहे हैं, ये खेद व्यक्त कर रहे हैं हम जैसे मूर्खों को देख करके। किसके लिए कर रहा है, वो राजा की कहानी सुनाई थी आपको, किसके लिए जोड़ा फिर तुमने, किसके लिए किया जब सब कुछ छोड़ करके ही जाना है, तो देखो कितना प्रैक्टिकल है। फ्लाइट से सफ़र करते हैं, आपने कभी ऐसी चीज़ें अपने हैंडबैग में रखी है जो साथ में नहीं जा सकती, कह रहे नहीं यार चक्कू मत रखना यहाँ, इसमें अटका देंगे वो जबरदस्ती, 15 मिनट आधा घंटा बेकार कर देंगे, वहाँ खड़ा रखेंगे तुम्हारे को, निकाल देंगे, निकाल करके पटक देंगे, चक्कू मत रखना, लाइटर मत रखना, माचिस मत रखना, कैंची मत रखना, आप समझ रहे हैं कौन सी चीज़ों की पैकिंग करते हैं भाई साहब, जो साथ में जा सके, जो साथ में जा सके, जो साथ में नहीं जा सके उसकी पैकिंग नहीं करता। अब हमें बतलाओ, फ्लाइट में जाने में तो सब होशियार हो, अब हमें ये बतलाओ यहाँ से पर भाव में जाना है तो आपकी फ्लाइट में क्या क्या साथ में जा सकेगा, आपने उसकी पैकिंग की या नहीं की, या सारा सामान जन्म से लेकर आज तक वही जोड़ते रहे जो जाना ही नहीं है, सारा सामान तो वही जोड़ रहे हैं ना जो नहीं जाना है। कह रहे हैं भाई तू शाश्वत मान रहा है अपने आप को, तू अमर होकर के आया है क्या, तुझे मरना नहीं है क्या, तेरा जीवन पूरा नहीं होगा क्या, तू क्या सोच करके बैठा है, और कौन से क्षण पूरा हो जाए इस बात का तो कुछ पता ही नहीं है ना किसी भी व्यक्ति को। ये देखकर, ऐसा सब कुछ देखकर, इसकी भाग दौड़ देखकर ज्ञानियों को आश्चर्य होता है, और आश्चर्य तो होता है और खेद भी होता है। यार ये समझ, इसको कितना समझा रहे हैं फिर भी नहीं समझते, इसको कितना बता रहे हैं इसके असर ही नहीं होते, कैसे चिकने घड़े हो गए, चिकने घड़े जानते हैं आप, चिकना घड़ा है और कितना भी पानी डालो वो टिकता ही नहीं, टिकता ही नहीं। आयु कर्म तो कारमाण वर्गणा रूप उद्गल की पर्याय है, ये क्या है आयु कर्म, उद्गल की पर्याय है। शरीर चाहे देव हो नारकी हो, भोग भूमिज मनुष्य तिर्यंच हो, अथवा तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि का भी हो, वह तो प्रतिपल बदलता ही है, और आयु कर्म के साथ साथ नियम से नाश को प्राप्त तो होता है। बोलो किसके शरीर की बात करो, कामदेव का शरीर तो परमानेंट रहता होगा, आपको मालूम है कामदेव के शरीर भी, कामदेवत्व बाद में प्रकट हुआ, कोढ़ था कोढ़ कुष्ठ रोग। बोलो सनत कुमार चक्रवर्ती कामदेव थे, कामदेव जैसे थे, कामदेव नहीं ये अपने श्रीपाल कामदेव थे, कोटि भट्टी श्रीपाल थे ना ये कामदेव थे, और सैकड़ों वर्षों तक शरीर में कोढ़ रहा। अब बताओ दोनों साइड देखो आप, बिल्कुल अपसाइड डाउन ऐसा उल्टा हो गया एकदम, कामदेव जैसा शरीर, कहाँ तो कैसा कोढ़ जैसा शरीर, और कहाँ एकदम कामदेव, कोढ़ी ऐसा शरीर माने जिस शरीर को देख करके लोग नाक मुंह से कूड़े, आसपास में कोई भटके नहीं, इतना दुर्गंधित कोढ़ शरीर से झड़ता था, ऐसे झड़ता था बहता था, लोग यही देख करके तो उसकी शादी करती थी मैना सुंदरी की श्रीपाल से, ऐसे व्यक्ति से कर दे, तुझे ज्यादा घमंड है ना,
अपने पुण्य का। तू कह रही है ना मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, तेरे को बाल पोस के बड़ा किया, इतना बड़ा कर दिया, और तू कह रही है मुझे अपने भाग्य का मिलता है। समझती क्या है अपने आप को? मंत्री जी ऐसे व्यक्ति तलाशो जो इस नगर में सबसे ज्यादा दुखी हो, उसी के साथ में इसका विवाह करेंगे। तो पिता ने ऐसा निर्णय ले लिया। बोलो, सुर सुंदरी बहन थी उसकी, उसका बहुत अच्छे उससे किया विवाह था, राजसी ठाट बाट से, और इसका विवाह ऐसे व्यक्ति से कर दिया। फिर क्या हुआ? उदय बदल गया। कामदेव, कामदेव जिसके समान पूरे मनुष्य लोक में कोई दूसरा सुंदर नहीं हो, उसे कामदेव कहते हैं। ये शरीर की अवस्थाएं, अत्यंत सुंदर शरीर अत्यंत बदसूरत हो जाता है, और अत्यंत बदसूरत शरीर सुंदर हो जाता है। ये अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती है। शरीर पुद्गल की पर्याय है, अवस्थाएं निरंतर बदलना इसका काम है। बदलती हुई इन अवस्थाओं के बीच में भी एक नहीं बदलने वाला तत्व अंदर बैठा हुआ है, उस पर दृष्टि दे, वो देखने योग्य है। इसका काम बदलना है। अंदर बैठा हुआ एक तत्व नहीं बदलने वाला है। मैं नहीं बदलने वाला तत्व हूँ, ये बदलने वाला मैं नहीं हूँ। दृष्टि उस नहीं बदलने वाले पर दी जानी है। तू बदलते हुए को देख देख करके रोता रहता है, रोए जा रहा है बदलते हुए को देख करके। ये समझा रहे हैं यहाँ? अरे चाहे देवों का शरीर हो, चाहे नारकियों का शरीर हो, भोग भूमि या जीवों का शरीर, आप जानते हैं कितने सुंदर होते हैं भोग भूमि के जीवों की सुंदरता की चर्चाएं पढ़ो जरा शास्त्रों में। इतने अप्सराओं जैसे सुंदर होते हैं, देवों जैसे सुंदर होते हैं, होते मनुष्य गति के हैं, माने अत्यंत सुंदर शरीर होता है। उनके रूप सौंदर्य की बराबरी वर्तमान में कर्म भूमि का कोई मनुष्य नहीं कर सकता है। इतने सुंदर होते हैं भोग भूमि के जीव, मनुष्य हो या तिरंज तीर्थंकर होना चाहिए, चक्रवर्ती जैसे सम्राट क्यों नहीं? बुढ़ापा नहीं आता भोग भूमि के जीवों का, बुढ़ापा नहीं आता। बुढ़ापा तो नहीं आता लेकिन अंत जरूर आता है। छींक और उबासी आने पर खत्म, इतना सा छींके जीवन पूरा, ऐसा ही होता है। दोबारा छींक नहीं आएगी, जीवन में एक ही बार छींक आती है। बोलो, मर के देव पर्याय में जाते, देवगति में जाते, अमृत नहीं झड़ता, झड़ता कल्प वृक्ष से मांगते हैं, कल्प वृक्षों से मांगने पर मिलता है। लेकिन ये कह रहे हैं कोई भी हो, चक्रवर्ती जैसा सम्राट भी हो, अरे चक्रवर्ती और भोग भूमियों की तुलना ऐसी की है, मैंने लिखा अपनी किताब में, लिखा काल चक्र वाली किताब में, दोनों की तुलना इस प्रकार की है जिसमें कहा है चक्रवर्ती के भोगों से अनंत गुना भोग भोग भूमिया जीव भोगते। अनंत गुना शब्द का प्रयोग किया है त्रिलोकसार में मूल गाथा में, चक्रवर्ती के भोग। अब चक्रवर्ती के भोग सुन के हमारे को ऐसा लगता है उससे अनंत गुना भोग भूमिया जीवों के होते हैं। और कारण बताते हुए लिखा कि चक्रवर्ती तो कर्म भूमि में होता है, उसे तो पुरुषार्थ करना पड़ता है, भाग दौड़ करनी पड़ती है, रोटियां बनवानी पड़ती है, मन माफी का आदेश देना पड़ता है, फिर रसोईया बनाएगा और फिर खाएगा, कर्म करने पड़ेंगे, राज्य संभालना पड़ेगा, संपदा ये सब करने पड़ेंगे। और भोग भूमिया जीवों को ये पुण्य के उदय से कल्प वृक्षों से रेडीमेड मिलते हैं, तैयार मिलते हैं अपने पुण्य प्रमाण। तो भी ये कह रहे हैं तो भी तनिक भये नहीं पूर्ण भोग मनोरथ मेरे, मैं चक्री पद पाए निरंतर भोगे भोग घनेरे, तो भी तनिक भये नहीं पूर्ण भोग मनोरथ मेरे। पंडित साहब याद आ गए मेरे को, संतोष जी झांझरी जी साहब ये लाइन खूब बोलते थे वो, मैं चक्री पद पाए निरंतर भोगे भोग घनेरे, तो भी तनिक भये नहीं पूर्ण भोग मनोरथ, तो भी तनिक भी पूरे नहीं हुए, पूरे ही नहीं होते। बोलो कितने डोसे खा लो कि आपको डोसे की मन में नहीं आए, कितने लड्डू खाओ कि आपके लड्डू की मनोकामना पूरी हो जाए। रोज रोज कहते हो ना लो आज 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 आप और खा लो, आज और खा लो बस, अब मत कहना कल के बाद कभी भी। बोलो जैन साहब होगा ऐसा? पूरे ही नहीं होते हैं, पूरे ही नहीं होते, खत्म ही नहीं होते हैं, ये स्थिति कभी पूरी नहीं होती।
ये कह रहे हैं प्रतिपल बदलता ही है और आयु कर्म के साथ साथ नियम से नाश को प्राप्त होता है। लेकिन अज्ञानी मनुष्य अपने शरीर को विनष्टता हुआ प्रत्यक्ष देखते और जानते होने पर भी मोहवश अविनश्वर मानता है। प्रतिपल हो रहा है, अपने साथ भी सिम्टम्स तो दिख ही रहे हैं ना, रोजाना शरीर की अवस्थाएं कुछ ना कुछ तो दिखती है ना। यदि नहीं दिख रही होती तो 2-3 किलोमीटर से पैदल क्यों आ रहे हो आप, रोजाना पैदल क्यों चल रहे हो, कुछ ना कुछ तो हुआ है भाई साहब क्या कुछ ना कुछ तो लक्षण प्रकट दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इतना पैदल चलने की ठानी है नहीं तो चौराहे तक पैदल नहीं चलते थे वो भी तो दिन देखे हैं आपने, जब एक चौराहे पर भी जाना हो तो बाइक स्कूटर उठाते थे, एक्टिवा उठा करके जाते थे, आज क्यों पैदल चलने लगे, माने कुछ ना कुछ तो देखने में आया है। क्यों दौड़ रहे हो सुबह उठते ही पहले, कुछ ना कुछ तो सिम्टम्स दिख रहे हैं आपके शरीर के। ये कह रहे हैं अज्ञानी मनुष्य शरीर को विनष्टता हुआ प्रत्यक्ष देखने और जानने पर भी मोहवश अविनश्वर मानता, मैं बचा लूंगा थोड़ा सा दौड़ करके, मैं बचा लूंगा थोड़ा डॉक्टर को दिखा करके, मैं बचा लूंगा थोड़ा सा इलाज करवा करके, मैं बचा लूंगा इनकी शरण लेकर के, और नष्ट होने पर दुखी होता है। शरीर तो आहार वर्गणा रूप पुद्गल द्रव्य की पर्याय है और अज्ञानी की दशा देख देख कर ज्ञानी उपाश्चर्य और खेद होता है कि ये मूर्ख, ये देखो ये काल गंवाता जा रहा है, देखो शरीर शरीर के पीछे भागता हुआ ये मूर्ख रोता चला जा रहा है, हम क्या बताएं। इस रोने के काल में भी यदि अपने आत्म तत्व को देखे तो निरोगी तत्व अंदर में भरा पूरा जो का त्यों मौजूद है, इसको वो दिखाई नहीं देता है। अंदर में अपार संपदा का स्वामी होकर के भी बाहर में शरीर को देख देख करके रोता रहता है, ज्ञानियों को खेद होता है, आश्चर्य होता है कि तेरे पास में निधि है, अपनी निधि भूल आप स्वयं दुख उठायो, क्या करें अपने वैभव और अपनी निधि को भूल करके दुखी होते रहे हैं। लेकिन अब ऐसा काल आ गया है, अब ऐसा तत्व हमारे को मिल गया है, अब ऐसा अवसर हमारे को मिल गया है कि अवसर चूकने योग्य नहीं है, अब तो ऐसा संकल्प अंदर में होना चाहिए। हे जिनेन्द्र देव, बीती सो तो बीत गई कोई बात नहीं, लेकिन बचे हुए ओवर भी इतने हैं कि यदि रोजाना सिक्स लगाए जाए तो इस मैच को जीत सकते हैं, इस मनुष्य पर्याय को सफल सार्थक कर सकते हैं। हम सभी अपना जीवन सफल सार्थक करें, इसी भावना से बात को यहीं